स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ, टुडे वी विल डू लेसन सेकेंड पैरा सिक्स. सो लेट्स स्टार्ट एंड वेलकम यू. एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्ला अकॉम्पेंड हिज अंकल टू द अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फयाज खान पेटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक. 14 साल की उम्र में बिस्मिल्ला खान ने अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में भाग लिया. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, जब प्रोग्राम खत्म हो गया, उसने अपनी परफॉर्मेंस दे दी. उस्ताद फयाज खान पेटेड द यंग बॉयज बैक एंड सैड. उस्ताद फयाज खान ने छोटे जवान बच्चे की पीठ थपथपाई और कहा, कठिन मेहनत करो और तुम एक दिन कामयाब हो गए या इसको ऊपर तक ले जा सकते हो अपने काम में. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक. ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में 1938 में खुला तो बिस्मिल्ला के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि या बिग ब्रेक, बड़ा मौका आया. ही सून बिकेम एन ऑफ्टन हार्ड सेनाई प्लेयर ऑन रेडियो. वह अक्सर रेडियो पर अब सुने जाने जा सकते थे सेनाई बजाते हुए. When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his सेनाई. जब भारत आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्ला खान पहले भारतीय होने का गौरव हासिल किया जिसने नेशनल लेवल पर सेनाई बजाई. He poured his heart out into rag kafi. उसने अपना दिल के साथ या दिल उड़ेला राग काफी में. फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस, लाल किले से अपने श्रोताओं के लिए. विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जिसको उन्होंने बाद में ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच का नाम दिया भाषण. बिस्मिल्ला खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड एब्रोड. बिस्मिल्ला खान ने भारत और विदेश में बहुत ही अस्मरणीय, ना भूलने वाली, लंबे समय तक याद रखने वाली परफॉर्मेंसेज अपनी परफॉर्मेंस दी हैं. हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रोड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर Shah was so taken in the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other sovereigns. Bismillah Khan ki pehli jo videshi yatra thi Afghanistan mein thi aur wahan ke ek raja Zahir Shah ne is kalakar se prabhavit hokar usko kai gift diye, jaise ki priceless bahut kimti Persian carpet, Parsiyon ke कारपेट, दरियां और दूसरी चीजें. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्ला म्यूजिक. अफगानिस्तान के राजा ही केवल वो नहीं थे कि बिस्मिल्ला खान के संगीत से प्रसन्न होते थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड. फिल्म निदेशक विजय भट्ट भी इतने प्रभावित हुए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाज प्ले एट द फेस्टिवल. किसी त्यौहार में बिस्मिल्ला के कोस उन्होंने सुना, दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सेनाई. उन्होंने फिल्म का नाम ही दे दिया क्या, गूंज उठी सेनाई. फिल्म वाज अ हिट. फिल्म सक्सेस हुई, कामयाब हुई एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाज खान्स कंपोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया. दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट ऑफ बी टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर. मतलब बहुत अच्छे से
फेमस हुई रिकॉर्ड ब्रेकर फिल्म दिल का खिलौना है टूट गया। डिस्पाइट दिस हंग सक्सेस, इन बड़ी कामयाबियों के बावजूद, इन द सेलुलॉयड वर्ल्ड ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, ओल्ड फैशन वाला दुनिया, बिस्मिल्ला खान वेंचर्स इन द फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू, जो बिस्मिल्ला खान का संगीत था केवल दो फिल्मों तक ही सीमित रह गया। विजय भट्ट, गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन, कन्नड़ा वेंचर, संधि अपना, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। वह उत्साह में होकर कहते हैं कि मैं केवल इन कंडीशंस पर नहीं आता, विद आर्टिफिशियलिटी, आर्टिफिशियलिटी नकलीपन एंड ग्लैमर, और ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, दुनिया में ये जो ग्लैमर चकाचौंध है इसी के लिए मैं काम नहीं करता। और वो बड़े उत्साह से कहते हैं, रिमेनिंग पार्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।